हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चों? मैं भी अच्छी हूँ। तो ठंडी आपके तरफ कैसी है बताइएगा, हमारे तरफ तो बहुत ठंडी है। तो सुबह के बजे है ना, मैं बना रही हूँ सब्जी और देख सकते हैं सकल सूरज देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं भी नहाई हुई हूँ। तो एक्चुअली कल मैं मार्केट से लाई थी हरी सब्जी, ये मेथी है और देख सकते हैं आलू वगैरह सब काट के रखी हूँ मैंने। आलू मटर लाई हूँ, मटर छीलूंगी अभी मैं, सब्जी काटते काटते छीलूंगी। और प्याज लहसुन तो मैं डालकर सब्जी बना लेती हूँ फटाक से। और मेरा बेटा आज जाएगा सुबह ही कॉलेज, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। सब्जी बनाऊंगी दोपहर में और रोटी भी बनाऊंगी और साथ में दाल चावल। तो मैं फिर सब्जी बनाकर फिर जाऊंगी नहाने के लिए। मैंने बाकी काम कर लिया है, फिर सब्जी बना के नहाने का है। तो फटाफट बना लेती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, फिर नहा के आप लोग को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंडियों में धूप में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो मेरे अंदर ही धूप आती है, तो हम लोग मीन्स मैं काम वाम करके मैं सीधे रूम में ही धूप के पास बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ, यहीं बैठ के खाना खाती हूँ, यहीं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है ना, देख सकते हैं धूप आ रही है ना, तो यहाँ धूप आती है फ्रेंड्स। और यहाँ शाम के 5 बजे तक धूप रहती है, सुबह मतलब 12 बजे से शुरू हो जाती है, तो 12 बजे से 10 बजे तक वो बालकनी के पास आ जाती है, उसके बाद 12 बजे से मैं रूम के अंदर आ जाती है। तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ और धूप से बिल्कुल हिलती नहीं, हर काम मेरा यहीं धूप में बैठ के होता है, खाना नाश्ता सब चीज़। तो मैं बैठी थी और नाश्ता भी हो गया, मेरा खाना भी हो गया, तो मैंने सोचा जो कहानी अधूरी रखी है मैंने उसको पूरी सुना दूँ आप लोग को, है ना। तो मैंने कहाँ तक बताया था आपको, बताया था कि वो लोग घर बना लेती है। मैं उस लड़की का नाम बता दूँ, फिर नाम तो बता ही सकती हूँ। उनका नाम रहता है इंदिरा, और इंदिरा काफ़ी गुणवान और बहादुर थी। उन्होंने अपने दम पे जो भी किया अपने दम पे किया। उनकी स्ट्रगल की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। वो जब वहाँ से आई थी, अपने ससुराल से आई थी, उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं लाया था, कुछ भी नहीं लाया था, सिर्फ जो उनके कपड़े थे पहनने वाले वही बस लाए थे। उस समय में इतने कपड़े भी नहीं रहा करते थे, आजकल जितने कपड़े रहते हैं ना मैचिंग के, इतने सारे के अलमारियाँ भर जाती हैं, संदूकें भर जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो लेके आई थी वो। फिर वो लोग दिन भर दूसरों के खेतों में काम करते थे और एक टाइम का भोजन जुगाड़ करते थे। धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ी, मेंबर बढ़े। तो फ्रेंड्स, उनके हस्बैंड जब बाहर कमाते थे तो उस समय उनकी बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं थी। उस समय करीबन उनकी सिर्फ 10 या 15 रुपए पेमेंट थी उनकी, और उतना ही बचाकर वो जो थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता था, जो भी बचा के रखते थे वो अपनी मिसेस को देते थे, आने इंदिरा को देते थे। और इंदिरा अपना खाने पीने का खर्चा तो निकाल लेती थी खुद से ही, क्योंकि वो खेतों में काम करते थे और काम के बदले उन्हें अनाज मिलता था, तो खाने के लिए हो जाया करता था। लेकिन बाकी इच्छाओं को वो या कहूँ मैं दबा दिया करती थी। इच्छा किसकी नहीं होती कि अच्छा अच्छा खाए, अपने बच्चों को खिलाए, बट वो जानती थी उन्होंने अपने अब को नजीक करके उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर संवारा, उन्होंने अपने बच्चों के अभी के बारे में ना सोच करके, ये आगे ही दुखी ना हो, इनको आगे कोई कष्ट ना हो, उस चीज़ का ख्याल रखा और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और वह अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को मारती गई, अपनी अपने बच्चों की सबकी इच्छाओं को मारती गई, और बस ये था कि वो जैसा भी है उनका पेट पालती, बच्चों का, बच्चे भी उनके खूब सहयोग करते, सब जितने भी बच्चे थे। धीरे धीरे और फैमिली बढ़ी, 2 बेटियाँ भी हुई,
फिर उसके बाद उनके हस्बैंड की तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ गई थी, तब उन्होंने ज़मीन खरीदना शुरू किया और ज़मीन खरीद के आज की डेट पे वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि उन्हें दूसरों के खेतों में नहीं बल्कि उनके खेतों में अब काम करने आते हैं। अब वो अपने खेत में काम करवाती हैं और उनके बच्चे नौकरी कर लिए, चारों बेटे उनके नौकरी कर लिए और अच्छे से पढ़े लिखे, बेटी की शादी हो गई, अच्छे घर में हुई बेटी की शादी। तो मैं कोई एकदम, मैंने आपको डीप में स्टोरी नहीं सुनाई है, ये सिर्फ एक शॉर्ट में स्टोरी सुनाई है मैंने। और स्टोरी मैंने इससे सुनाई है कि जब मेरे अंदर भी वही खून बह रहा है जहाँ संघर्ष करने वाले थे, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब वो कोई और नहीं थी, मेरे दादा दादी थे। जी हाँ, मेरे दादा दादी ने अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है और मेरी दादी खुद मिसाल है, क्योंकि मेरी दादी शुरू से ही पैरालाइज थी, उनके दोनों पैर विकलांग थे और वो आज की डेट पे 90 साल की हो गई हैं, लेकिन आज के डेट में भी वो अपना खाना और अगर कोई घर में चार जन आ जाए तो भी खाना बनाती भी हैं, खिलाती भी हैं और जो काम उनसे हो पाता है वो कर लेती हैं बैठे बैठे। उनसे अभी भी अच्छे से नहीं चला जाता है और अब वो पहले से ही नहीं चल पाती थी तो अब वो इतनी एज में कैसे चल पाएंगे, फ्रेंड्स आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बैठ बैठ कर ही सारे काम कर लेती हैं। आज के डेट में भी अपने पूरे काम खुद ही करती हैं और घर का भी करती हैं। तो इतनी हिम्मत वाली, इतनी संघर्षशील जब मेरी दादी थी, उनसे एक चीज़ मेरे समझ में आई है कि उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा कि कोई क्या कहेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या उन्होंने शर्म नहीं की, उन्होंने बस संघर्ष किया और अपने दम पे आज इतना कुछ बना ली है ना कि आज उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई कह नहीं सकता है। वो जो भी है अपने दम पर है, उन्होंने किसी से एक सुई की नोक बराबर भी किसी से लिया नहीं है, उन्होंने बस दिया है। तो बहुत सोचने के बाद ये बात मेरे समझ में आई कि नहीं, मुझे भी मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे मेरे अंदर के शर्म को और दूसरों के जो कंफर्ट जोन में रहने की जो हैबिट से पड़ गई है ना, उसको तोड़ना होगा। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के मुझे बाहर निकलना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। हाँ, मैं करके दिखाऊंगी। मेरी दादी ने उस जमाने में जब करके दिखा दिया, तो इस जमाने में मेरे पास तो बहुत कुछ है। मेरी दादी तो पढ़ी भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। तो ये स्टोरी कैसे लगी आप लोगों को? ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है, रियल है, मेरी दादी की कहानी है। तो आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, मुझे तो इससे बहुत प्रेरणा मिली और आप लोग को भी अगर कोई सीख मिली हो तो बताइएगा। हाँ, मेरी दादी काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट दीजिए आप लोग, और मेरे वीडियोस देखा करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। आप लोग अपना लाड़ दुलार प्यार मुझ पर भी बरसाएं, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इसी कामना के साथ मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।